जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा, वो आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ टीवी संगवारी हो। आज हम एक ऐसे युवा किसान के खेत में आए हैं जिन्हें कोई परिचय के मोहताज नहीं है। भाई भुवन वर्मा जी, जिनला आप सब जानते हो, जिन धान के खेती के लिए एक रिकॉर्ड बना है, देसी धान की खेती करके जिन 32-33 क्विंटल तक के उत्पादन ले है, वही भाई भुवन वर्मा आज बहुत बढ़िया टेक्निकल ढंग से मूंग और उड़ीद के खेती करते थे ग्रीष्मकाल ऋतु में। तो हम ओकर मूंग के खेती कवर करे बर आज ओकर गांव पहुंचे हैं, ओकर खेत पहुंचे हैं। तो आवाओ भाई भुवन वर्मा जी से मूंग के खेती के बारे में बहुत सुंदर ढंग से टेक्निकल जानकारी लेथन कि एक पढ़े लिखे आदमी कौन ढंग से मूंग के टेक्निकल खेती करत है। और वह लगभग लगभग 8 क्विंटल प्रति एकड़ तक के पिछला बार मूंग के उपज ले है, ये रिकॉर्ड ओकर नाम हवे। तो ये बार वो कतेक तक के उपज के हिसाब से तैयारी करे है, तो यही सब चीज पर गोड बात करथन भाई भुवन वर्मा जी से। तो जयराम भैया। जयराम भैया, जयराम। तो भुवन भैया, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ टीवी में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। तो एक चीज मैं दर्शक मन ला बताना चाहता हूँ कि आपके साथ जो हम धान के वीडियो बनाए हैं, है ना, वो आज 1,33,34,000 व्यूज आ गए हमें। तो इतना बढ़िया धान के आपके वीडियो ला प्रतिसाद मिले है, तो मैं उम्मीद करत हूँ वैसे ही दर्शक मन से हमारे मूंग के वीडियो भी प्रतिसाद मिली। तो सबसे पहले आप ये बताओ भैया कि मूंग के खेती करे के बारे में आप मन कैसे विचार करें? एकर से सबसे पहली बात तो हमारे पड़ोसी गांव में जो रहीस राकेश साहू, हाँ, वो है ओला देखे में मूंग के खेती करत। अच्छा जी, अच्छा उत्पादन लीसो है, 3-4 क्विंटल ली से शुरू साल, आज से 5 साल पहली। ओकर बाद मोला ग्राम से खदीस से सरकारी बीजा, अच्छा 4 किलो मूंग और 4 किलो उड़ीद, अच्छा ओला बो हूँ मैं। और ओमे शुरू साल रही समझ नहीं वही नींदा नाशक नहीं मारो हूँ, पाछू नींदा ढाक दिस तो साल थोड़ा उत्पादन कम है। कम है। अच्छा। ओकर बाद बीच में 1 साल गैप हो गए, फिर पिछला 2 साल से फिर मूंग बो हूँ। पिछला साल बुआई में थोड़ा सा लेट हो गई से, आधाल काटे हो तो ओकर उत्पादन थोड़ा सा कम है से, और जो पाछू काटे हो ते मस्त 8 क्विंटल है से। अच्छा। ओकर उत्पादन तो एकर सबसे पहले अगर हम टेक्निकल जानकारी अपन चाहबो तो सबसे पहले ये बताओ भैया कि मूंग की खेती करे बर अपन कैसन टाइप की मिट्टी चुनाव करने चाहिए, कैसन कैसन टाइप में मतलब हम खेती करबो मूंग के कैसन मिट्टी में तो मूंग के खेती अच्छा होई, और ओकर लिए खेत की तैयारी कैसे ढंग से करना चाहिए, तो एक बारे में थोड़ी जानकारी। ये तो मूंग हर प्रकार की मिट्टी में हो पाते है। अच्छा। ऐसे मिट्टी के लिए कोई जरूरी नहीं है, बस एक लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। हाँ। हल्का मिट्टी रही, मटासी रही या फिर मुर्मी वाला रही तो हम ज्यादा पानी लगी। अच्छा। और ये जो कन्हार मट्टी जिसे मोर मिट्टी देखा तो इसमें थोड़ा से कम पानी लगते हैं, 15-20 दिन चले जाते हैं। अच्छा। एक सिंचाई है और में हर आपला 8-10 दिन में दे चला पड़ी, और टेम्परेचर बढ़ी तो जल्दी देल पड़ जाएगी। अच्छा। ऐसे रहते हैं, मिट्टी कोई जरूरी नहीं है, पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मिट्टी सब चली। टोटल अगर हम शुरू से लेके बुआई से लेके अंतिम तक मतलब कटाई के पहली तक जो पानी देते हैं वहां तक अगर पूरा पानी शेड्यूल की बात करबो तो के बार पानी की जरूरत पड़ती है, के बार सिंचाई की जरूरत? अब ये हल्का मिट्टी में कम से कम 6 से 7 पानी लगी, और ये जो गहरा मिट्टी है थोड़ा से जो ये मीडियम में आते हैं, हाँ, ये में 5 से 6 पानी। अच्छा। ये पानी पकड़ के रखते समझ? हाँ, ये पानी पकड़ के ज्यादा दिन तक के नमी रहते हैं। अच्छा। अब पाटा दूता और नोजल दू तो आजकल नोजल उतना कारगर नहीं रहा है, का है धूप बहुत ज्यादा है तो नोजल हर नहीं काम कर सके, आजकल पाटा से देल पड़ते हैं। अच्छा। तो अभी हम जिन खेत में खड़े हैं ये मूंग जिन अपन देखा था, ये है कौन से वैरायटी के मूंग भी है? ये है MH 421 रहे, MH 421। अच्छा। तो एकर सामान्य का उत्पादन बता है? एकर सामान्य उत्पादन कंपनी तो वैसे 7 क्विंटल बताते हैं प्रति एकर। अच्छा। पर 8 से 9-10 तक के तो आई जाए। अच्छा। अगर अच्छा खेत रही कोई है तो 10 तक के आई जाए। अब औसत उत्पादन सब मिलावे तो 7 क्विंटल आई, कोनो ज्यादा होते तो कोनो कम होते, तो वो कंपनी 7 क्विंटल क्लेम करते। अच्छा। तो जिसे हम मूंग की बुआई कर दे, है ना, तो मूंग की बुआई करते हैं तो बीज के मात्रा सबसे पहले बताओ, बीज के मात्रा 1 एकड़ के लिए करते हैं? आप उनारी करत हो तो 8 से 10 किलो लगी। हाँ। और बोआ तो जिसे मैं बो हूँ छिटका, ऐसे छिटका बोआ तो 10 से 12 किलो लगी। अच्छा। 12 का में कुछ बीजा ऊपर रहते तो नहीं जगह, ज्यादा अंदर आ गए तो नहीं जगह, तो इसमें थोड़ा सा यह लगता है, वो में कतार रहता तो थोड़ा बीजा कम लगते। अच्छा। 10 से 12 किलो बीच में कहा पीछे काटते भी, ये जैसे पौधा ला 15-20 दिन तक के काटते, 1 महीना तक के काटी पौधा ला। अच्छा। दिमाग जो रिथे धान वान के अवशेष करते धान के लाख चना जो भी बोहो ओकर दिमाग काटते तो वो थोड़ा से ओकर से थोड़ा घन बोए लगते, तो 12 किलो अच्छा आ जाता। अच्छा। तो बोए के दिन के बाद में हमला पहली सिंचाई करना चाहिए? सबसे पहले तो आप बहुत तत्काल सिंचाई दे पड़ी। अच्छा। ओकर बाद मौसम के हिसाब से लगी, आप कौन सा महीना में बो हो ओकर ऊपर डिपेंड करी। अच्छा। जैसे आप मार्च फरवरी में बो दे हो तो कम से कम 1 महीना बाद दे पड़ी आप। अच्छा। ठंडा रहते उस समय,
और मार्च हमको हो तो इसी से दिन घटा जाइए अप्रैल में जिसे बोथ हो, मार्च का आखिरी में बोथ हो, अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में बोथ हो, तब वो मैं आप लोग 15 दिन के अंदर देल पड़ी सेकंड सिंचाई। अच्छा, मतलब बोन पानी दे देन ओकर ठीक 15 दिन के बाद में दूसरा सिंचाई। हाँ, ओकर ठीक फिर वही 12-15 दिन के बाद 12-15 दिन के तीसरा सिंचाई, मतलब 15-15 दिन के अंतराल में। हाँ, बिल्कुल 15-15 दिन 20 दिन में जमीन के स्तर के हिसाब से देख के ओला देल पड़ता। अच्छा, अभी मैं खाद की काशी डूर रही थी भैया, कौन कौन से आप लोग खाद डाल पड़े? सबसे पहली बात तो बता दूं भैया कि हम खाद की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, धान वाला खेत है था का। अच्छा। धान एम बोआ है, धान के बाद एम लाखड़ी बोआ है और लाखड़ी के बाद मूंग बोआ थे जी। तब मैं तो धान बस में खाद डालता हूँ। हाँ। लाखड़ी में तो डालवे नहीं करूँ, गलत बो देता हूँ सीधा। अच्छा, और मूंग में मन तो नहीं रही से, फिर भी डाले हूँ 25-30 किलो DAP। चलत नहीं दी। हाँ, चल चलन दे, चलन दे मतलब। तो मैं 25-30 किलो DAP डाले। अच्छा, मतलब अभी 25-30 किलो DAP में एकड़ में डला है, बोला है। और DAP के अलावा और कुछ भी नहीं? नहीं, और कुछ नहीं डला है, कुछ भी नहीं डला, कुछ भी नहीं डला है। और दूसरा तीसरा बार कुछ डाले की जरूरत नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं है, सीधा कीटनाशक डाल, निंदा एक बार निंदा नाशक भी है। अपन मूंग की खेती में निंदा नाशक के ऊपर चर्चा करबो तो घास फूस ले बचाए बर है ना, घास फूस से अगर हमला निजात पाना है तो कौन से निंदा नाशक सबसे कारगर है मूंग के? इसमें बहुत सारा निंदा नाशक आते हैं मूंग के लिए। इसमें सोयाबीन में जो चलते बेहतरीन उस समय, हाँ हाँ, ते वही निंदा नाशक सबसे ज्यादा अच्छा रहते। अच्छा, जैसे आयरिस है, पटेला है, सिजेंटा, फिजी फ्लिक्स कुछ आते नाम से, वो मन चलते। तो मैं अभी 2 साल से छीता था आयरिस से छीता था। अच्छा, और कुछ कुछ में और बाकी टेस्ट देखता हूँ, पर बाकी मन को उतना रिजल्ट नहीं जितना आयरिस के। अच्छा, तो आयरिस कतेक ML मारते हुए में एकड़ पीछे कतेक लग जाते? पिछला साल तो 300 ML डाले रहो, पर ये साल थोड़ा छीते में लेट हो गए और बन भी बाढ़ गई से, तो 400 ML डालो, ओकर कारण थोड़ा सा पौधा मन अभी झुंझला आ गए। अच्छा, पर ये जो पहली छीते हो उतनी एकदम फ्रेश हो गए है। अच्छा। अब ये हाँ थोड़ा चालू हो तब झुंझला का, पर काली छीते हो तो थोड़ा झुंझला है, 2 दिन तक के झुंझलाहट रही ओकर बाद फ्रेश हो जाए। अच्छा, तो अब ये बताओ कि मूंग के खेती करत हैं तो हमला मूंग के सफलतापूर्वक खेती करे बारे में बहुत प्रकार के कुछ न कुछ तो मतलब कीट व्याधि वगैरह बीमारी वगैरह लगते हैं समझ जाओ है ना, चूसक है, वायरस वगैरह, तो ओला एक विस्तार पूर्वक बताओ कि शुरू से लेके अंतिम तक कौन कौन प्रकार से में बीमारी आते और वो निराकरण आप मन कौन ढंग से करते हो? ये मूंग में 2 से 3 प्रकार के बीमारी आते ज्यादा, एक तो कीट लगी जो चना वना में लगते थे वाला, और एक रस चूसक लगी, और तीसरा बीमारी में लगी वायरस लगते। अच्छा, तो एकर लिए सबके लिए सबके दवाई अच्छे से डाले पड़ी, और बायो की दवाई काम करते केमिकल वाला मन नहीं कर पाए उतना ज्यादा। अच्छा। है टेम्परेचर बहुत ज्यादा रही थे, तो बायो जो आते है वाला सवेरे और शाम ही छींचना है, सवेरे 8 बजे से पहले, शाम को 4 बजे के बाद छींचना है, मतलब धूप के समय हमला दवाई बिल्कुल नहीं छींचना है, कोई भी दवाई नहीं छींचना है। अच्छा, तो आप अपन वो दवाई बताओ भैया जेकर उपयोग करते हो, तो बायो जिसे आप बताया हो, तो बायो की कौन कौन सी दवाई है जेकर आप मन उपयोग करके अतका बढ़िया सफलता पूर्वक खेती करा? मैं पिछले साल से सनमुखा उपयोग करा था, सनमुखा कंपनी के बायो है। हाँ, बायो है। अब ओकर का है टर्मिनेटर आते जो कीड़ा बराते है। अच्छा, ट्राइजोपी आते है, रसचूसक आते, अच्छा, मोक्षा आते जो वायरस बराते है, जब हर चीज छीता है। पिछला साल मोक्षा थोड़ा लेट से छीते, थोड़ा सा वायरस लगे रही से, और वो जितना छीते हो ओकर से एक भी नहीं बढ़ पाई से। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट कारगर दवाई है, बहुत अच्छा रिजल्ट। एक स्प्रे कम से कम 20 दिन तो चले जाते, अभी छीते हम 15 दिन हो गए, एक भी कीड़ा नहीं दिखे आप। अच्छा, तो एक बार दवाई थोड़ा सा आप रिपीट कर दो कि कीटनाशक के लिए कौन से बताए? कीटनाशक के लिए टर्मिनेटर है। अच्छा, और रस चूसक के लिए ट्राइजोपी है, ट्राइजोपी। हाँ। और जो वायरस लगते बीमारी लगते है लिए मोक्षा है, मोक्षा। बस तीनों सनमुखा कंपनी की है। अच्छा, मतलब तीनों प्रकार के दवाई ला अपन छिड़काव करके एकर कहना चाहिए हर प्रकार की बीमारी से राहत अपन है, हर प्रकार का है ना, हर प्रकार की। और ये बीमारी सबसे पहले तो जब जगही वही समय से लगे चल हो जाते, 8-10 दिन के अंदर आप लोग पहला छीटे करे लगी, ओकर बाद 1 महीना के बाद छिड़काव करे लगी। अच्छा, ओकर बाद फूल लगे के समय एक बार ओकर बीज लगे। अच्छा। ओकर बाद आप लोग 3 स्प्रे के बाद लगभग नहीं बतर लगते। अच्छा, पर मौसम नहीं कहे जा सके। हाँ। का है दिला, अब मौसम के हिसाब से अगर लग गए चौथा स्प्रे लगी नहीं, मतलब नहीं फूल फल लगे के बाद में अगर कहीं मौसम बिगड़ा थे हमला लगत कि नहीं एक स्प्रे देना है तो एक बार चौथा स्प्रे दे देते। हाँ। अच्छा, शुरू में एकर से ज्यादा लगते का है उमस रहते, जैसे जैसे मौसम चेंज होते वो दोनों बीच में बहुत ज्यादा उमस रहते, यही यही बीमारी। अब ये बताओ आप दवाई के बारे में पूरा बता दे, ओकर शेड्यूल के बारे में बता दे, कौन कौन से आप दवाई उपयोग करते हो ओकरो बारे में भी बता दे। तो अब हमें ये बताओ कि ये जन मूंग के फसल है ये टोटल कतेक दिन के हरे और कतेक दिन के बाद में एकर हार्वेस्टिंग करे जाते हैं? ये है लगभग 65-70 दिन के फसल है। अच्छा,
और एकर हार्वेस्टिंग 65-70 दिन से चालू हो जाते हैं। जैसे जैसे बारिश आपके नजदीक आई वो हिसाब से बारिश के बोर हो वो हिसाब से आप थोड़ा काटेल पड़ी। अच्छा जैसे ये है एक फूल फल फूलिस एक फर फल के पूरा कम्प्लीट आप बिल्कुल 3 क्विंटल उत्पादन दे दिया अगर पौधा सही है आपके खेत में तो। अच्छा और दो फूल फल गए दो फूल फूलिस और दोनों फल गए तो कम से कम आप 5-7 क्विंटल दी उत्पादन। अच्छा और तीन फल गए तो 9 क्विंटल उत्पादन तो आई जाए। अच्छा पर तीसरा का आदले का है मौसम पास आ जाते ओकर लिए थोड़ा लंबा समय लगता है तो बोई जल्दी रिबे तब एक हार काट सकत। अच्छा मतलब जल्दी बोई रिबो तो अपन लोग उत्पादन ज्यादा मिली आप। अच्छा तो पिछला बार आप जिन बता रहे हो कि मोला कतना कन एरिया में लगभग 3 क्विंटल मिली इसे ढंग से आप चर्चा कर रहे हो बाकी 7-8 क्विंटल मिले इसे तो वो किसे ढंग से हो रही है बारे में थोड़ा आप बताओ। पिछला साल कहा है मैं बोए थोड़ा लेट से रहा तो बारिश थोड़ा से पहली आ गई। अच्छा मानसून प्री मानसून जो रही से थोड़ा से पहली आ गई से तो मानसून जो देख के मैं लू पर आधा लात लुए लग गए जल्दी का और बहुत सारा फसल कत्ते काटन सकते तो मैं 4 एकड़ ला पहली लू दो एक फूल फले रही से लू दो। अच्छा तो वो मोला दिस 3 क्विंटल उत्पादन 4 एकड़ में प्रति एकड़ 3 क्विंटल उत्पादन। अच्छा और उसके बाद मैं सोचो फिर अब लुआ होता तो खराब हो जाये फिर बाकी छोड़ दो मैं चल अब देखे जाये जो भी हुई हुई करके। अच्छा थोड़ा से लेट में लूना है मौसम खुली तहन छोड़ दो ओकर बाद बोला 8-10 दिन बाद लुओ हो। अच्छा। आर स्टार्ट करो 10-12 दिन बाद हाँ। वो उत्पादन दिस मोल पर एकड़ 8 क्विंटल। अरे बबरे मतलब सिर्फ 10-12 दिन के अंतराल हाँ। लुए से ही आपके एकड़ में समझ 5 क्विंटल के बढ़ोतरी हाँ, उनके एक फल दूसरे दूसरा फल वाला बहुत तीव्र डेढ़ और डबल फल थे। अच्छा जैसे पहला फल 3 क्विंटल फली ना तो दूसरा फल 5-7 क्विंटल फल जी। अरे बाबा वो आपके ऊपर निर्भर है कि कैसन टाइप के मौसम है कैसन टाइप की मिट्टी है वो सब निर्भर करते। तो भोन भैया हम एक चीज बोल सकते हैं कि अगर अच्छा से हम अगेती खेती करत हैं मूंग के है ना पहली से अगर बुआई कर लें तो मूंग की खेती से हम आराम से 8 क्विंटल प्रति एकड़ की उत्पादन ले सकते। हाँ बिल्कुल उत्पादन ले सकते एकदम सही है। हाँ बिल्कुल काहे कई किसान इसे है जिन मन है ये बोलते कि मूंग है ज्यादा से ज्यादा 3 क्विंटल एकदम हो गए तो 4 क्विंटल वो कल ज्यादा उपरा होबे नहीं करे बोलते लेकिन आपके जिन आप वित्तीय अनुभव आप बतात हो अगर से तो सब किसान मन के बात है झूठ साबित हो गया कहना चाहिए। तो चल मैं आप बहुत बहुत बधाई देता हूँ भैया कि आप पिछला बार 8 क्विंटल प्रति एकड़ तक के एक रिकॉर्ड उत्पादन मूंग से ले हो तो उम्मीद करत हूँ कि ये साल भी आप मतलब 8 से हो सके तो 9 क्विंटल तक के भी उत्पादन मिले। यही आशा विश्वास के साथ हम आज की वीडियो ला यही में समाप्त करत हैं। जय हिंद जय।